नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर गोविंद अग्निहोत्री और आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद केमिस्ट्री पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज का हमारा जो मोरल है, मोरल स्टोरी कह सकते हो, या आज का जो थॉट है वो एक दोहे से है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो होए, सुन इठलई हैं लोग सब, बाँट न ली हैं खोए। क्या मतलब है इस दोहे का? बहुत ही गूढ़ बात कही है रहीमदास जी ने कि अपने मन की व्यथा, हमारे मन की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हमें अपने मन में ही रखना चाहिए। मन ही राखो होए, रहीमन निज मन की व्यथा, व्यथा माने चिंता, पीड़ा, कष्ट जो भी है, उसको हमें अपने मन में ही रखना चाहिए। सुन इठलई हैं लोग सब, इठलई है मीन्स हंसेंगे, मजाक बनाएंगे आपकी समस्या का, आपकी प्रॉब्लम का लोग मजाक बनाएंगे। सुन इठलई हैं लोग सब, सारे लोग, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। बाँट न लीहन कोई आपका दुख, आपका कष्ट बांटेगा नहीं, सिवाय उसका मजाक बनाने के। तो आपका जो भी समस्या है, आपकी जो भी पीड़ा है, वो किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। किससे कहना है? सिर्फ ऊपर वाले से, भगवान से कहना है। वही हमारी सारी बातों को सुनेगा और जो होगा वो जैसे बनेगा वो आपकी मदद करेगा। बाकी इस संसार में लोग केवल आपकी समस्या का, आपकी पीड़ा का मजाक बनाएंगे, आनंद लेंगे, हंसेंगे, कोई भी समस्या का समाधान नहीं करेगा। सो नमस्कार मित्रों, इसी के साथ